अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। मैं ये रोज़ फ्लेवर के प्लेन वाले बना रही हूँ। अगर आपको ज़ाफ़रान और इलायची फ्लेवर के चाहिए तो आप मावे के अंदर थोड़ी सी ज़ाफ़रान या इलायची पाउडर मिक्स कर दें। मैंने 100 ग्राम जितना मावा लिया हुआ है, खोया जिसको बोलते हैं, इसमें मैं एक ड्रॉप जितना रोज़ एसेंस मिलाऊँगी। 2 टेबल स्पून दूध, 3 टेबल स्पून मैंने लिया हुआ है लेवल्ड मैदा। इसको मैं इस तरह से मेजर करती हूँ, ये टेबल स्पून है, इसको मैंने इस तरह से लिया हुआ है। 1/2 टीस्पून जितनी सूजी, और 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम, 1/2 जितना 1/2 टीस्पून या 1 पिंच मैंने लिया हुआ है बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर मैं अभी इतना मिलाऊंगी, फिर एक चेक कर लूँगी, अगर सही हुआ तो मैं दूसरा नहीं मिलाऊंगी। इसके शीरे के लिए हमें चाहिए 1.5 कप जितनी शुगर। आप जितनी शुगर ले उतना पानी मिलाएं। मैंने 1.5 कप शुगर ली हुई है, मैं 1.5 कप पानी मिलाऊंगी। और जब ये हो जाएगा, इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, एक तार जितना शीरा नहीं करना होता इसका। और जब ये हो जाएगा तब हम इसके अंदर डाल देंगे रोज़ एसेंस 1 से 2 ड्रॉप, और इसको हम फ्राई करेंगे घी में। शीरे को मैंने 4 मिनट तक बॉईल दिया, ये बॉईल हो गया, चीनी पिघल गई, फिर मैंने इसको स्लो कर दिया और ये 4 मिनट बॉईल हुआ है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 2 ड्रॉप जितना रोज़ एसेंस, और मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। ये मेरा शीरा रेडी है। ये हमें लिक्विड चाहिए, हमें कोई एक तार कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर गुलाब जामुन जाएंगे तो पानी सोक करेंगे ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो। मावे को हमने मैश करना है अपने हाथ के इस पोर्शन से, और मेक श्योर करें कि आप जब मावा खरीदें तो ये पाउडर मिल्क वाला ना हो और इसमें सूजी मिक्स नहीं हो, अदरवाइज़ आपका जो गुलाब जामुन है वो ऑयल बहुत सोक कर लेगा या तो ऑयल में फट जाएगा। मैंने 5 मिनट तक इसको मसल लिया। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 ड्रॉप जितना रोज़ एसेंस और सूजी। इसको मैं वापस से थोड़ा मैश करूँगी इस तरह से। सूजी मिक्स होने के बाद हम मिला देंगे इसमें 1 टेबलस्पून जितना दूध, ये रूम टेम्परेचर का है, इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी पहले। ये मिक्स होने के बाद हम इसमें मिला देंगे थोड़ा थोड़ा करके मैदा। मैदा मिक्स होने के बाद हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा मिल्क डालेंगे और फिर इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये सारा मिल्क हमने डाल देना है और इसको मसलते रहना है थोड़ा, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट बने। गुलाब जामुन बनाने के लिए आप अपना जितना पोर्शन लेना हो आप ले, इसके बाद इसको थोड़ा रोल करके अच्छे से प्रेस कर दे इस तरह से, और फिर दोनों हाथ से यूं प्रेस करते हुए थोड़ा प्रेशर देते हुए इसको राउंड कर ले, तो इसके अंदर क्रैकिंग नहीं बनेगी, पूरे एक साइज़ के बनेंगे। और अगर आपको फील हो कि इसके अंदर क्रैकिंग बन रही है तो थोड़ा सा दूध या थोड़ा सा पानी अपने हाथ में ले और इसको रोल कर दे, तो ये हर जगह से बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे, क्रैकिंग नहीं बनेगी इस तरह से। गुलाब जामुन चेक करने के लिए मैंने घी गरम कर लिया और इसमें से हल्के हल्के नीचे बबल आना स्टार्ट हो गए। मैं इसके अंदर डाल दूँगी चेकिंग के लिए जो हमने टेस्टर गुलाब जामुन छोटा बनाया हुआ था वो, और मैंने चूल्हा बिल्कुल स्लो कर लिया और ये हल्के हल्के बबल आना स्टार्ट हो रहे हैं। अब मैं चेक करूंगी कि ये थोड़ा लूज तो नहीं हो रहा, फैल तो नहीं रहा। ये गुलाब जामुन फैल नहीं रहा, सही है। सो अब मैं सारे गुलाब जामुन बना लूंगी और फिर फ्राई करूंगी। मेरे सारे गुलाब जामुन रेडी हो गए। अब मैं 1 बाय 1 सारे अंदर डाल दूंगी एक साथ। मेरी फ्लेम बिल्कुल दम के ऊपर है और इसी फ्लेम पर हमने करना है, इस तरह से बबल आएंगे। अगर आपको लगे कि आपके गुलाब जामुन फ़ौरन से ऊपर आ रहे हैं तो आप थोड़ी देर, जब ये अभी डाल रहे हैं तो 30 सेकंड के लिए आप चूल्हा बंद कर दें ताकि ये तेल नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। अब जब आप पूरे सारे गुलाब जामुन डाल देंगे तो आपको इसको टर्न करने के लिए चमचा नहीं चलाना है, इस तरह से करना है और हल्के हल्के ये टर्न होते रहेंगे। जब गुलाब जामुन आपके सारे खुद ब खुद नीचे से इसका जो लेवल है वो छोड़कर ऊपर के तय पे आ जाएंगे और ऊपर फ्लोट करने लगेंगे, आप अपने चमचे के उल्टे हिस्से से इसको टर्न करते जाएं।
इस तरह से हल्के हल्के हाथ से, ताकि ये एक तरह से फ्राई हो, एक कलर हो सब में, और फ्लेम बिल्कुल दम वाली ही रखें आप। आपको इसको तब तक ऐसे घुमाते रहना है जब तक कि आपको आपका डिज़ायर कलर ना आ जाए गुलाब जामुनों पर। अगर आपको लाइट चाहिए तो आप थोड़ी देर पहले निकालें, अगर थोड़े डार्क चाहिए तो थोड़ी देर से निकालें। जब गुलाब जामुन थोड़े फ्राई हो जाएंगे, हमने इसको चेक करना है कि इसके अंदर गुठली है कि नहीं, या पूरे अंदर से हो गए। हम थोड़ा एक गुलाब जामुन लेंगे, इसको थोड़ा प्रेस करेंगे। जब प्रेस करेंगे तो हमें फील होगा कि अंदर से पक गए। हमारे गुलाब जामुन रेडी हो गए, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब मैंने जो ये गुलाब जामुन मैं निकालूंगी, डायरेक्ट हम इसको शीरे में डालेंगे। मैंने शीरा वार्म कर लिया है और इसको 40-45 मिनट तक इसी तरह इसमें डिप रहने देंगे, तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। और शीरा बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, अच्छा खासा वार्म होना चाहिए। धुआं नहीं निकल रहा मगर ये वार्म है। धुआं निकलने से पहले आप चूल्हा बंद कर दें और इसको एक दफ़ा से यूँ टर्न कर लें। ये रेडी है हमारे गुलाब जामुन। आई होप आप ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर से पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।